यहाँ पे हमारा दूसरी साइड का फ्लैट है और ये एक फ्लैट है, तो इस वाले फ्लैट की बात करें, सामने यहाँ पे आपको आयरन का ड्रोर मिल जाता है और ये हमारा स्टेयर्स है। एंट्रेंस में आपको सामने पूरा ड्राइंग रूम है। यहाँ पे इसको आप एल शेप में भी बना सकते हो, यहाँ पे आप एल शेप में बना दोगे, सामने अपना टीवी वगैरह है वहाँ से हटा सकते हो आप, तो अच्छा स्पेस है। ऊपर आप देखो फॉल सीलिंग वगैरह, मतलब बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने अपना फ्लैट, कोई कह ही नहीं सकता कि 2015-2016 का फ्लैट है ये। और ये यहाँ पे इन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ है अपना, यहाँ पे स्टोरेज वगैरह है, ये डाइनिंग एरिया है हमारा प्रॉपर है, मतलब 5 लोग बैठ कर आराम से खाना खा सकते हैं। सेमी मॉडलर किचन है, मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि फुल्ली मॉडलर किचन है, तो सेमी मॉडलर किचन है, हमें सारा कुछ आपको सामान वगैरह आपको देख सकते हैं किस तरीके से रखा हुआ है। फ्रिज का स्पेस सेपरेट है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। और ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, 6x6 का बेड है, मतलब किंग साइज़ का बेड है, प्रॉपर स्पेस आप इधर भी देख रहे हो, दोनों साइड आपको अच्छा स्पेस मिल रहा है। रूम का साइज़ मतलब बहुत डिसेंट साइज़ है रूम का, ऊपर भी आप पूरा देखें, पूरा नीट एंड क्लीन फ्लैट है। एक अलमीरा आपको यहाँ पे मिलती है जो कि अटैच है, इन्होंने एक यहाँ पे मूवेबल अलमीरा रखी हुई है। और यहाँ पे विंडो एसी है और इसके पीछे यहाँ पे शाफ्ट है, ये विंडो दे दिए नेट वाले, इसके साथ प्लस पॉइंट है, एक इसके पीछे भी विंडो है लेकिन वो फिक्स है, आप उसको अपने हिसाब से मतलब मूवेबल, मतलब उसको ओपनेबल बनाना चाहते हो तो उसमें आप अपना डोर वगैरह लगा सकते हो खिड़की का। और ये वॉशरूम अटैच वाला है तो इसका साइज़ भी अच्छा है, इसमें वॉशिंग एरिया बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, सामने यहाँ पे आपको WC मिल जाता है। और ये यहाँ पे लुकिंग मिरर है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह यहाँ पे बना हुआ है पूरा। ये वाला वॉशरूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा है और जो मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है उसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मतलब आप यहाँ से देखो ना कितना मतलब अच्छे से इन्होंने अपने फ्लैट को मेंटेन करके रखा हुआ है। और एक बेडरूम ये है, यहाँ पे प्रॉपर साइज़ है आपको बेडरूम का, और इसका वॉशरूम का साइज़ थोड़ा सा अच्छा है, ये आप देखो साइज़, ये प्रॉपर वहाँ तक वॉशरूम का साइज़ है। ये मास्टर बेडरूम है, इसके अंदर यहाँ पे आपको अलमीरा मिल जाती है पूरी, इस तरीके से यहाँ पे अलमीरा है। और इधर भी 6x6 का बेड है, साथ में यहाँ पर बैठने की जगह है। और ये हमारी फ्रंट की बालकनी है, बालकनी अच्छी है, सुभाष नगर की मेन मार्केट, वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टैंड, और आराम से इजीली आप यहाँ पे रिक्शा वगैरह मिल जाता है, हार्डली 900 मीटर पे टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन है। और इधर जाते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेफ्ट में, राइट में आपको वेल मेंटेन पार्क मिल जाता है जो कि पब्लिक पार्क है, गली का साइज़ काफ़ी अच्छा है, ये देखो ऊपर से मैं भी छोटा लग रहा हूँ, ये खड़ी है मेरी गाड़ी सामने, तो ईजिली दूसरी गाड़ी भी यहाँ से निकल रही है, बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो इस तरीके से है हमारा फ्लैट।